नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, हमारे द्वारा अपलोड नई वीडियोस की जानकारी प्राप्त करने के लिए भाग्य मंथन को आज ही सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर सेलेक्ट करें। जिन लोगों ने भाग्य मंथन को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, वो लोग भी अपना नोटिफिकेशन बेल का स्टेटस जरूर चेक करें। आज हम बात करेंगे मई महीने के धनु राशिफल के बारे में। मई के महीने में धनु राशि के स्वामी कन्या राशि में रहेंगे, जो कि आपकी जन्म कुंडली का कर्म स्थान है। शनि इस समय आपकी जन्म राशि पर 7.5 लगाए हुए धनु राशि के बिल्कुल ऊपर विराजमान है। सूर्य 14 तारीख को अपनी उच्च राशि मेष में से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपकी जन्म कुंडली का कष्ट भाव है। मंगल 26 मई को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपकी जन्म कुंडली का सप्तम भाव है। शुक्र महीने के बिल्कुल अंत में अपनी उच्च राशि मीन से मेष राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपकी जन्म कुंडली का पंचम भाव है। धनु राशि वाले इस समय शनि की 7.5 के पूर्ण प्रभाव में है। शनि की पाठशाला में इस समय आप जीवन के बहुत ही मुख्य अध्याय पढ़ेंगे। अपने आसपास के लोगों को निरंतर प्रभावित करने में आप इस समय कामयाब होंगे। इस समय आपकी शांति ही आपकी सफलता निर्धारित करेगी। इस समय पर आपका कार्य कोई भी नहीं रुकेगा, पर जिस कार्य में भी हाथ डालेंगे वो बहुत धीमी गति से पूर्ण होंगे। राहु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि प्रभाव के चलते पिता से कुछ मतभेद हो सकते हैं। 26 तारीख के बाद जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। शांतिपूर्वक और सोच समझकर कार्य करने पर उच्च के शुक्र इस महीने भवन भूमि का लाभ भी आपको दिलवा सकते हैं। मई के महीने में आप किसी बड़े कार्य को करने की तरफ अग्रसर होंगे, जो भविष्य में चलकर बहुत सफल होगा। व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय अच्छा व बुरा दोनों पक्ष लेकर आ रहा है। शुक्र और बुध के प्रभाव से कुछ बड़े लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन इस समय बड़े निवेश करने से आपको बचना चाहिए। नौकरी करने वालों के लिए समय अनुकूल है। महीने के अंत में जॉब चेंज करने के योग भी बन रहे हैं। जल्दीबाजी में इस समय कोई निर्णय ना ले। इस महीने चंद्रमा 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को आपकी चंद्र कुंडली के अष्टम भाव से गोचर करेंगे, इसलिए यह समय आपके अनुकूल नहीं है। इस समय पर आपको अपना बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। 11-12 तारीख को किसी भी प्रकार के लेन देन को बहुत ध्यान से करें। इस समय पर चंद्रमा आपकी चंद्र कुंडली के हानि भाव से गुजरेंगे। ज्योतिषीय सलाह: शनिवार के दिन वृद्ध लोगों को आटा दान करें। मंगलवार के दिन मूंगे की माला से राम नाम का जाप करिए, सारी समस्याएं समाप्त होंगी। मई के महीने में धनु राशि को भाग्य मीटर पर 5 में से 3.5 अंक मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ज्ञान यात्रा में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।